हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है एंड व्हाई इज डेटा प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट। डेटा प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, तो डेटा प्रोटेक्शन बेसिकली है क्या? डेटा प्रोटेक्शन है कि आप अपना डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कब, कैसे और कितना शेयर करना चाहते हो ऑनलाइन। ओके, तो हियर वी हैव दिस। डेटा प्रोटेक्शन जनरली मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिटरमाइन फॉर देमसेल्स व्हेन, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम इज शेयर्ड विद और कम्युनिकेटेड टू अदर्स। ओके, तो डेटा प्रोटेक्शन क्या है? ये एक पर्सन की एबिलिटी है ये डिसाइड करने की कि उसको कितना अपना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ओके, किस टाइम पर और कितने लोगों के साथ उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, राइट? दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी वंस नेम, लोकेशन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन और रियल वर्ल्ड बिहेवियर। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। ओके, किसी का नाम हो सकता है, उसकी लोकेशन हो सकती है, उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, तो डेटा प्रोटेक्शन क्या है? डेटा प्रोटेक्शन है अपनी इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करनी है। ओके, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स ऑनलाइन, हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, एज इंटरनेट यूसेज हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, सो हैज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी। ओके, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज इंक्रीज होता जा रहा है, इंटरनेट का यूसेज बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही हमारी जो पर्सनल डेटा है, डेटा प्राइवेसी है, उसकी भी इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, राइट? ओके, हमें अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना होता है व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट। ओके, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफन नीड टू कलेक्ट एंड स्टोर पर्सनल डेटा अबाउट यूजर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो क्या होता है, हम जब ऑनलाइन क्या करते हैं, वर्क करते हैं या ऑनलाइन हम कुछ भी यूज करते हैं, तो क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ओके, जो क्या करती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस सर्विस, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, राइट? ओके, हाउएवर सम एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म्स मे एक्सीड यूजर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर डेटा कलेक्शन एंड यूसेज, लीविंग यूजर्स विद लेस प्राइवेसी देन दे रियलाइज। लेकिन क्या होता है, कुछ 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 टाइम ऐसा होता है, समटाइम्स क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है ऑनलाइन, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्या करते हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, जिससे हमारी प्राइवेसी को क्या होता है, खतरा होता है। ओके, वी लिव विद लेस प्राइवेसी, वो बहुत कुछ हमारी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपका ले लेंगे, आपका एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, आपने अपना ऑलमोस्ट सभी डेटा, प्राइवेट डेटा दे दिया ऑनलाइन, राइट? तो इन दैट केस आपका क्या है, ये दिस इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ गिविंग द डेटा, पर्सनल डेटा, राइट? अदर एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स मे नॉट प्लेस एडिक्वेट सेफगार्ड्स अराउंड द डेटा दे कलेक्ट, विच कैन रिजल्ट इन डेटा ब्रीच डेट कॉम्प्रोमाइजेस यूजर प्राइवेसी। और समटाइम्स क्या होता है, कुछ एप्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपका डेटा ले लेते हैं और उसकी उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। ओके, और वो डेटा क्या होता है, वो डेटा आपका चोरी हो सकता है, जिससे आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ओके, जिससे आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर कहीं पर भी मिसयूज हो सकता है, कहीं पर भी शेयर किया जा सकता है, राइट? ओके, ओके, नो व्हाई इज डेटा प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट? डेटा प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? पर्सनल डेटा कैन बी मिस यूज इन अ नंबर ऑफ वेज इफ इट इज नॉट केप्ट प्राइवेट। ओके, जो हमारा पर्सनल डेटा है उसको बहुत किसी भी तरीके से मिस यूज किया जाता है अगर हम उसको प्राइवेट नहीं रख पाते हैं। ओके, और इफ पीपल डोंट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल हाउ देयर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड, अगर लोग, ये लोगों के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके कि उनकी इंफॉर्मेशन कैसे यूज हो रही है। ओके, तो डेटा प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट डेटा, फाइन? इसका कैसे मिस यूज हो सकता है? क्रिमिनल्स कैन यूज पर्सनल डेटा टू डिफ्रॉड और हैरेस यूजर्स,
क्रिमिनल्स आपके कॉन्टेक्ट नंबर का, आपके हाउस एड्रेस का, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, आपको हैरेस करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, राइट? एंटिटीज मे सेल पर्सनल डेटा टू एडवर्टाइजर्स और अदर आउटसाइड पार्टीज विदाउट यूजर्स कंसेंट. आपका डेटा एडवर्टाइजर्स के पास सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, दूसरी पार्टीज के पास बेचा जा सकता है विदाउट आपकी कंसेंट के, विच कैन रिजल्ट इन यूजर्स रिसीविंग अनवॉन्टेड मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग. जिसके रिजल्ट से क्या होता है, आपके पास अनवॉन्टेड एड्स आते हैं. ओके, आपके पास अनवांटेड मार्केटिंग एड्स आते हैं, राइट? समटाइम्स आपने ये देखा भी होगा, आपका जो आईडी होता है, ईमेल आईडी होता है, उसमें बहुत सारे स्पैम मेल्स आए होते हैं. तो क्या होते हैं, वो अनवांटेड एडवर्टाइजिंग मेल्स होते हैं, राइट? When a person's activities are tracked and monitored, this may restrict their ability to express themselves freely, especially under repressive governments. ओके, अगर आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी फ्रीडम को छीना जा रहा है, राइट? दिस में रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू एक्सप्रेस. आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरोगे. ओके, स्पेशली अंडर द रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स. और जहाँ पे गवर्नमेंट्स क्या है, रिप्रेसिव है मतलब जो गवर्नमेंट्स दबाती है, राइट? ओके, इन दैट केस फाइन. इन मेनी ज्यूरिडिक्शंस प्राइवेसी इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, जहाँ के लॉज में क्या है, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कंसिडर किया जाता है, राइट? कि आपके डेटा की प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. ओके, एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉज एग्जिस्ट टू गार्ड दैट राइट. और वहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉज है, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा, योर पर्सनल लाइफ. Fine. Data privacy is also important because in order for individuals to be willing to engage online, they have to trust that their personal data will be handled with care. अब जो लोग online काम कर रहे हैं, online work कर रहे हैं, वो तभी online work कर सकते हैं जब उनको trust हो कि उनके उनका data बहुत ही अच्छे से handle किया जा रहा है, care के साथ handle किया जा रहा है. जैसे आप क्या है, हम लोग क्या होता है, online banking करते हैं, अगर हमारा data safe ना हो, अगर हमें trust ना हो, तो हम ऑनलाइन बैंकिंग कर ही नहीं सकते, राइट? ओके, ऑर्गेनाइजेशंस यूज डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस टू डेमोंस्ट्रेट टू देयर कस्टमर्स एंड यूजर्स दैट दे कैन बी ट्रस्टेड विद देयर पर्सनल डेटा. तो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या होती है, अपने कस्टमर्स को पूरा का पूरा एश्योरेंस देते हैं कि उनका प्राइवेट डेटा, उनका पर्सनल डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा, राइट? सो डेट द यूजर्स कैन ट्रस्ट देम एंड कैन हैव देयर सर्विसेज ऑनलाइन. ओके, तो यूजर्स उन पर ट्रस्ट करें और उनकी सर्विसेज को ऑनलाइन यूज कर सके, फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा प्रोटेक्शन. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट. टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज. बाय बाय.